तो दोस्तों आइए आज हम सीखेंगे वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से आपका जो टूथब्रश होता है, जो ब्रश हम यूज़ करते हैं डेली, वो कैसे मैन्युफैक्चर होता, कैसे बनता है, उसके बाद उसकी कलरिंग कैसे होती, मतलब कि डुअल कलरिंग। जैसे आप ये ब्रश देख रहे हैं ब्लू और वाइट कलर का है, तो उसमें एक सेक्शन क्या है, एक सेक्शन पर ब्लू कलर पहले होता है, मतलब पहले एक सेक्शन पर ब्लू कलर मैन्युफैक्चर होकर आता है। वहाँ पर हम पीपी के साथ ब्लू कलर मिक्स कर देते हैं ऊपर ही अपने बैरल पर, जो हॉपर जहाँ से मटेरियल चार्ज कराते हैं बैरल में, वहीं पे मिक्सिंग कर देते हैं। तो क्या होता है, जो आप वीडियो में देख रहे हो लेफ़्ट साइड सेक्शन जहाँ पे है, उस लेफ़्ट मोल्ड पे क्या होता है कि आपका ब्लू कलर का एक टूथब्रश बन के निकल रहा है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो रोटेट होता है। अभी आप देखोगे कि ब्लू कलर का ब्रश जो है वो बन के निकला और हमने उसका स्प्रू अलग किया, उसके बाद ये रोटेट हुआ, रोटेट होकर राइट साइड में आप देखेंगे सिर्फ ब्लू है, फिर मोल्ड बंद होगा और वहाँ पे वाइट कलर की कलरिंग हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारी डुअल कलरिंग हो जाएगी, एक प्रोडक्ट पे जो ब्रश है हमारा उस पर वाइट और ब्लू कलर की कोटिंग हो जाती है, डुअल कलर की कोटिंग हो जाती है। तो ये वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, इसको हम मैनुअली भी कर सकते हैं, बट ये जो टेक्नोलॉजी है ये ऑटोमेटिक है, फोमटेक ग्रुप की टेक्नोलॉजी है, वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं ये वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के, बेस्ट हैं अपने काम में, ये बेस्ट हैं और दे आर प्रोड्यूसिंग द बेस्ट वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन वर्ल्ड वाइड। आप देख सकते हैं काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, फुल्ली ऑटोमेटिक, रोबोटिक, किसी भी मैन पावर की ना ज़रूरत पड़ रही है इस पर और ना ही, काफ़ी हाई अर्निंग मशीन है, आप घर बैठे इसको लगा के आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। सिंपल प्रोसेस है, इजेक्टर सिस्टम जो होता है इसमें वो डाउन टू अप होता है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल में आप देखते हो कि लेफ़्ट टू राइट होता था, वैसे इसमें डाउन टू अप होता है। तो दोस्तों ये था हमारा प्रोसेस कि कैसे हम टूथब्रश बनाते हैं और टूथब्रश को कैसे कलर करते हैं वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन।